मैं हूं संतोष रावल। आप देख रहे हैं आपका अपना लाइव पाली न्यूज़। हम आपके लिए पूरे दिन के घटनाक्रम को हेडलाइन के रूप में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। यदि आप भी हमारे न्यूज़ पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं या हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की पाली हेडलाइंस। आंख, नाक, कान व गले का इलाज आसान, 7 करोड़ रुपए के आएंगे नए उपकरण। पाली आंख व ENT नाक कान गला के ऑपरेशन व जांच के लिए अब मरीजों को पाली रेफर नहीं करना होगा, उनका उपचार भी यहीं पर हो सकेगा। इसके लिए बांगड़ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में 7 करोड़ रुपए के नए उपकरण आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इनमें आंखों की जांच के लिए 3 स्टील लैंप आ भी चुके हैं। आंखों की जांच के लिए अस्पताल में 2 करोड़ का सामान आ रहा है। इसमें काले पानी, ग्लूकोमा की जांच के लिए पेरीमीटर व टोनोमीटर भी शामिल है। इसके अलावा ENT में नाक का दूरबीन के ऑपरेशन के लिए एंडोस्कोपी यूनिट में लगाई जाएगी। यहां मास्क पहनाने को लेकर चलाया जाएगा आंदोलन। 2 अक्टूबर से चलाया जाएगा आंदोलन। पाली जिले में 2 अक्टूबर से कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए जन आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए आमजन ने गांधीवादी तरीके से समझाइश की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटिकी ने बताया कि पुलिस एवं पब्लिक में एक नया संबंध कायम करते हुए मास्क लगाने व सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निवेदन किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले लोगों के लिए विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर के बांगड़ कॉलेज निकट कार को इंडेड गैस टंकी से भरी टैक्सी में हुई टक्कर, टला बड़ा हादसा। शहर के बांगड़ कॉलेज रोड पर तेज गति से आ रही बोलेरो कार सवार ने अचानक ब्रेक लगाने से टायर फटा। अनियंत्रित रूप से सामने से आ रही इंडियन गैस टंकी से भरी हुई टकराई। मौके पर मौजूद लोगों ने टैक्सी में पड़े सिलेंडर को दूसरी टैक्सी में रखवा कर गोदाम तक पहुंचाया। तो ये है आज की पाली हेडलाइंस। रोजाना ऐसी ही हेडलाइंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।